मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। अपनी सेना होगी सेना, जय शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। अरे भीख मांगने से अच्छा गुंडा बन के अपना हक छीनना। अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, देश के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। अभी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठे लोगों का है। आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत। ये जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे।